तो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट जो है हर सेम वर्षा, तो इसका कैपिटल का जो अमाउंट है जो हमने वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया है, हर्षा का कैपिटल है 180,000 एंड वर्षा का है 120,000। ये कैपिटल हमने वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया है, हर्षा का कैपिटल 180,000, वर्षा का 120,000। ये जो कैपिटल है 180,000 एंड 120,000, ये कैपिटल आपको फिर से लिखना है, हर्षा का कैपिटल और वर्षा का कैपिटल, इसको आपको फिर से लिखना है। ये जो ओल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, तो ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन 180,000, 120,000। तो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल लिखा है हर्षा एंड वर्षा, इसको आपको कहां पर लिखना है, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल आउटसाइड कॉलम में आएगा 4 लाख। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल टोटल 4 लाख। अभी लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ देखो, लास्ट एडजस्टमेंट जो है द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द फर्म is to be transferred to their respective loan accounts. ये जो sentence दिया है, respective loan accounts. ये sentence का meaning क्या है? ये sentence का meaning ऐसा है, अभी आपको क्या करना है? All partners के capital accounts close करना है. All partners के capital accounts close करना है. And all partners capital account में आपका जो difference आएगा, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को आपको क्या लिखना है, लोन अकाउंट लिखना है। ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, वो डिफरेंस को आपको क्या लिखना है, ये एडजस्टमेंट के अंदर दिया है, रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। अभी हम पहले हर्षा का कॉलम क्लोज करेंगे। हर्षा जो पार्टनर है, हर्षा का क्रेडिट साइड टोटल 3,62,440। हर्षा का टोटल है 3,62,440। वर्षा का टोटल करेंगे 3,34,960। ये जो क्रेडिट साइड टोटल है, सेम लाइन पे डेबिट साइड लेना है। तो हर्षा का टोटल है 3,62,440 और वर्षा का है 3,34,960। इसमें से क्या करना है, इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करना है, 3,62,440 में से ये 1,80,000 माइनस करना है, 3,34,960 में से ये 1,20,000 माइनस करना है, और डेबिट साइड माइनस करके ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस को आपको क्या लिखना है, लोन अकाउंट्स। ये जो वर्ड है लोन अकाउंट्स, ये वर्ड आपको लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा over their due proportion of sharing profits in the firm is to be transferred to their respective loan accounts. तो all partners capital account का difference निकालना है, difference को क्या लिखना है, loan accounts। ये loan account जो word है, ये आपको last adjustment के अंदर दिया हुआ है। तो हर्षा का जो difference है, ये आएगा आपका 1,82,440। 3,62,440 में से क्या किया है, 3,62,440 में से
ये 180,000 माइनस किया है, तो इसमें से ये माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट निकाला है। 334,960 में से ये 120,000 माइनस करना है, तो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट निकालना है, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 214,960। ये जो लोन अकाउंट्स के जो फिगर्स है, ये लोन अकाउंट के फिगर्स ये आपको बैलेंस शीट में लेना है, लायबिलिटी साइड में लेना है। ये जो लोन अकाउंट्स है, लोन अकाउंट्स ऑफ हर्षा एंड वर्षा, ये कहां पे लेना है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेना है। तो लोन अकाउंट्स हर्षा 182,440, वर्षा 214,960। ये जो लोन अकाउंट्स के जो फिगर्स है, ये लोन अकाउंट के फिगर्स ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखे। अभी बैलेंस शीट के रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग लायबिलिटीज, तो रिमेनिंग लायबिलिटीज आपका एक क्रेडिटर्स रही है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 4,00,000। एसेट जो है लैंड एंड बिल्डिंग आया, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक, एसेट्स बैलेंस शीट के सारे एसेट्स एसेट्स पे लिखे हुए, बैलेंस शीट का भी टोटल करना। बैलेंस शीट टोटल आपका आता है 11,97,400। बैलेंस शीट टोटल जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी से आ रहा है 11,97,400।